अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, खुशियों के साथ और सेहत के साथ। जो आज मैं रिव्यू लेकर आया हूँ आपके लिए, J6 Plus का है, सैमसंग का ये मोबाइल है। 3 GB इसकी रैम है और 32 GB इसकी इंटरनल ड्राइव है। तो इसको देखते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं ये कैसा सेट है और कैसा इसका रिज़ल्ट है, कैमरे वगैरह का और परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है। तो ये जनाब खुल के आ गया है और इसको देखते हैं। अभी आपने देख लिया इसका प्रोसेसिंग टाइम के कितना है ओपन होने में ये, और इसके फीचर्स वगैरह देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, 32 GB इसकी इंटरनल मेमोरी है और 3 GB रैम है। इसके अलावा ये ड्यूल सिम है और इसकी जो स्लॉट है मेमोरी कार्ड की वो अलग से है, ठीक है। इसका जो इसकी बाकी स्पेक्स भी देखते हैं और देखते हैं कि अंदर और क्या क्या चीज़ें साथ में दी हैं। ये इसका वारंटी कार्ड है, ठीक है, और ठीक है। और इसके साथ साथ ये स्पीकर है इसके इस साइड पे, और ये आप देख सकते हैं कि USB चार्जिंग केबल है और ऑडियो के लिए हैंड फ्री के लिए पोर्ट है। अब इसके साथ चीज़ें अवेलेबल हैं, साथ ये चार्जिंग केबल है, डाटा केबल इसे आप बोल सकते हैं, और साथ साथ इसके चार्जर हो गया और हैंड फ्री। यूज़ करने में ओवरऑल बहुत बेहतरीन है। कलर्स वगैरह माशाल्लाह से बहुत अच्छे ब्राइट कलर्स हैं, और इसकी जो मूवमेंट है और वो भी बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा आप इसकी परफॉर्मेंस वाइज से देखें, फ़ौरन खुलता है जैसे ही आप फिंगर से आप ऑन ऑफ करते हैं, तो क्विक टाइम में ऑन ओपन होता है, ठीक है। तो कैमरा रिजल्ट वगैरह भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका कैमरा रिजल्ट है। और ओवरऑल 30,000 में बहुत बेहतरीन सेट है। इस स्पेक्स के आपको 30,000 में ओप्पो वगैरह के मिलेंगे, लेकिन सैमसंग की अपनी बात है। तो बाकी मैंने पहले इससे पहले F1S यूज़ कर रहा था। अब मैंने जो मकसद है इसका लेने का, वो ये वीलॉग्स बनाने का। कुछ लोगों ने कंप्लेंट की कि कैमरा अच्छा यूज़ करें आप अपने वीलॉग्स में, तो होपफुली कि इसका कैमरा कुछ बेटर है और जो वीलॉग्स हैं वो कुछ बेटर क्वालिटी में बनेंगे। आई होप कि आपको पसंद आएंगे जी। तो इसमें जो प्रोसेसर यूज़ हो रहा है वो एंड्रॉयड V8.1 ओरियो है, और 178 ग्राम इसके वेट है। डायमेंशन जो है 161.4 × 76.9 × 7.9 mm है। ड्यूल सिम है, जिसे मैंने पहले बताया आपको, ड्यूल सिम है, और इसमें दो सिमों के साथ साथ आप जो है एक क्या कहते हैं, एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, दो सिम भी डाल सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। तो ये ब्लैक कलर में है, इसके अलावा पिंक, ग्रे एंड रेड कलर में भी अवेलेबल है ये। तो लेकिन इसमें एक ही है कि एक वक्त में एक ही जो सिम है वो 4G में चल सकती है, एक वक्त में दोनों आप सिम जो है नहीं चला सकते हैं। उसके अलावा 1.4 GHz क्वाड कोर इसका प्रोसेसर है,
और जीपीयू जो है वो एड्रीनो 308 है, और जो इसकी साइज है स्क्रीन का 6.0 इंचेस है, और 16M कलर्स, मल्टी टच है, एलसीडी कैपेटिव टच स्क्रीन है इसकी। बाकी मेमोरी मैंने आपको पहले बता दिया है कि 3 GB रैम है और 32 GB बिल्ट इन इसके अंदर, और मैक्रो एसडी कार्ड जो है ये तकरीबन 256 GB तक सपोर्टेड है। ड्यूल कैमरे हैं, बैक साइड पे एक 13 MP है और दूसरा जो है 5 MP है, ठीक है। और जो फ्रंट वाला कैमरा है वो तकरीबन 8 MP का है, और वाईफाई, बाकी ब्लूटूथ 4.2, FM रेडियो, माइक्रो USB जो है, माइक्रो USB पोर्ट जो है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाई थी, ये भी है इसके अंदर। और 3.5 mm ऑडियो जैक। बाकी जो इसकी जो बैटरी है वो 3300 mAh है, जो कि बहुत बेहतरीन है मैं समझता हूँ इस मोबाइल के लिहाज से। 31,000 इसकी प्राइस है, और इस टाइम ये मार्च 2018 चल रहा है,